नमस्कार दोस्तों कंट्रोल सिस्टम में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूं तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि टाइम डोमेन एनालिसिस में हम किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी उसके जो ओसिलेशनस हैं उससे फाइंड आउट करते थे अगर आपकी ओसिलेशन डेम्प हैं तो हम कहते थे कि सिस्टम कुछ टाइम के बाद स्टेबल हो जाएगा और अगर आपकी ऑसिलेशन अनडेम्प्ड थी यानी ऑस्यूलेशन बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहती हैं तो हम बोलते थे कि सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं है इसी तरीके से दोस्तों अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में किसी भी सिस्टम की स्टडी करोगे तो उस सिस्टम के लिए आपको गेन मार्जिन और फेज मार्जिन पता होना चाहिए इतनी सी नॉलेज से आप ये बता सकते हो कि वो सिस्टम आपका स्टेबल है या मार्जिनल स्टेबल है या अनस्टेबल है इसीलिए ये दोनों पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर दी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस टू कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग्स जो इश्यूज़ होंगे उनको दूर करेंगे तो गेन मार्जिन इज द फैक्टर बाय विच गेन ऑफ सिस्टम कैन बी मल्टीप्लाइड एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी सच दैट सिस्टम रिच द एज ऑफ द स्टेबिलिटी आई थिंक डेफिनेशन पढ़ के हमें बहुत कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ कॉन्सेप्ट को इन डिटेल डिस्कस करूंगा तो बहुत ईजिली आपको समझ आएगा दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ गेन ऑफ सिस्टम एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज यानी ये जो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है ये कहता है कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो गेन मिलता है अगर उस गेन का रेसिप्रोकल हम निकाल लें तो वही रेसिप्रोकल आपका गेन मार्जिन होता है तो एक बार इस एक्सप्रेशन से समझ लेते हैं मान लीजिए कोई ट्रांसफर फंक्शन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है तो इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का आपको सबसे पहले फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा अब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है उस ट्रांसफर फंक्शन का आपको पहले फेज एंगल निकालना है और अगर वो फेज़ एंगल आपका माइनस वन डिग्री आ जाए तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको माइनस वन डिग्री फेज एंगल मिला है उसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी तो यानी मान लीजिए कोई फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली और उसके बाद ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है जी ओफ एस इंटू एच एस इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किस फ्रीक्वेंसी पे आपकी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज पे मान लीजिए कोई मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे मैग्नीट्यूड लेटर से आपको ए मिला इसके बाद ये जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला है इस मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल जो होगा वो आपका गेन मार्जिन होगा तो ये होगा आपका गेन मार्जिन दैट इज वन अपॉन ए आई होप अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया होगा कि आपका गेन मार्जिन क्या होता है इसके बाद अगर गेन मार्जिन को आप डीबी वैल्यूज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये क्या होगा दोस्तों गेन मार्जिन इज इक्वल टू ट्वेंटी लोग बेस टू टेन इन टू वन अपॉन ए ये आपका होगा इन टर्म्स ऑफ डीबी तो जो गेन मार्जिन है वो आपका एक मैग्निट्यूड वैल्यू भी हो सकता है और वो आपका एक डीबी वैल्यूज भी हो सकता है कहने के लिए अगर मैं ये कहूँ कि गेन मार्जिन आपका मान लीजिए एग्जाम्पल टेन डीबी आपका गेन मार्जिन है इसका क्या मतलब है दोस्तों इसका मतलब यह होता है यह आपका कोई सिस्टम है और इस सिस्टम का मान लीजिए जो गेन मार्जिन है वो टेन डीबी है इसका मतलब यह होगा कि सिस्टम का जो गेन है वो आप टेन डीबी तक इंक्रीज करा सकते हो सिस्टम तब भी आपका स्टेबल ही रहेगा लेकिन आपने 10 डीबी से जरा भी गेन को इंक्रीज कर दिया तो फिर दोस्तों आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा यही अब फिर से इसको समझते हैं गेन मार्जिन इज अ फैक्टर बाय विच गेन ऑफ द सिस्टम कैन बी मल्टीप्लाइड एट फेज क्रोस ओवर फ्रीक्वेंसी सच दैट सिस्टम रीच इज द एज ऑफ द स्टेबिलिटी एज ऑफ द स्टेबिलिटी का मतलब है कि अब आप सिस्टम आपका अनस्टेबल बस होने को है तो जो भी आपका स्टेबल सिस्टम होगा उसका गेन मार्जिन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होगा जितना गेन मार्जिन ज्यादा होगा सिस्टम दोस्तों आपका उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा अब दोस्तों बात करते हैं फेज मार्जिन की फेज मार्जिन आपका सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अकॉर्डिंग अब इसमें क्या है फेज मार्जिन इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ फेज लैग दैट कैन बी एडेड टू द फेज एंगल ऑफ सिस्टम एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी गेंद क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी सच दैट सिस्टम रिच इज दिस स्टेबिलिटी अब यहां से भी आपको इतना अच्छा समझ नहीं आया होगा लेकिन अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताते हैं ये कहता है कि जो फेज मार्जिन है फेज मार्जिन पहली बार तो आपका गेंद क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज पर निकलता है तो ये जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है इसमें सबसे पहले आप गेंद क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालें वो क्या होगी जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है अगर उसका मैग्नीट्यूड किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वन के बराबर हो जाए तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपकी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है ठीक है तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन है तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपकी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है इसके बाद दोस्तों जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है उसका फेज एंगल निकाल लीजिए उस गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज पे इस गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज पे आप फेज एंगल निकालोगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी लेटर्स से वो फेज एंगल आपका फाइव मिलेगा तो दोस्तों जो आपका फेज मार्जिन है वो हमेशा होगा वन डिग्री प्लस फाइव एंगल इसे हम कहते हैं फेज मार्जिन अब दोस्तों बात करते हैं यह है क्या मान लीजिए फेज मार्जिन आपके पास कुछ थर्टी डिग्रीज है तो थर्टी डिग्रीज का मतलब ये है कि अगर किसी भी कंट्रोल सिस्टम का फेज मार्जिन थर्टी डिग्री है यानी 30 डिग्री तक उस सिस्टम के अंदर आप फेज लेग इंट्रोड्यूस करा सकते हो तब भी आपका सिस्टम स्टेबल ही रहेगा लेकिन अगर आपने फेज लेग 30 डिग्री से ज्यादा इंट्रोड्यूस कराया सिस्टम के अंदर तो फिर सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब यहां से बिल्कुल ये साफ साफ पता लगता है कि जितना ज्यादा फेज मार्जिन होगा सिस्टम हमारा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा तो अगर आइडियल वैल्यूज कहें तो हम कहेंगे कि फेज मार्जिन हमारा इंफिनिटी होना चाहिए सिमिलरली गेन मार्जिन भी हमारा इंफिनिटी होना चाहिए तो अगर कोई भी कंट्रोल सिस्टम आपका है और वो कंट्रोल सिस्टम आपका क्या है मिनिमम फेज सिस्टम है दोस्तों अलग अलग तीन टाइप के सिस्टम्स हैं उसका वीडियो में पहले बना चुका हूं आप चाहे तो वो देख सकते हैं मिनिमम फेज सिस्टम्स अगर गिवन है तो उसमें अगर आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन अगर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो दोस्तों आप कहेंगे कि आपका वो सिस्टम 100 परसेंट स्टेबल सिस्टम है लेकिन दोस्तों अगर आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं या दोनों में से एक नेगेटिव वैल्यू है तो फिर आप कहेंगे कि आपका जो गिवन सिस्टम है वो एब्सोल्यूटली अनस्टेबल सिस्टम है लेकिन अगर आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन जीरो वैल्यूज में है तो उसके बाद आप कहेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो आपका मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है राइट तो ये है दोस्तों आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताऊंगा कि गेन मार्जिन को कैसे कैलकुलेट करते हैं और फेज मार्जिन को कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर एनी गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो